नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की वोकैबलरी के बारे में। आज 25 फरवरी 2019 की द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स की वोकैबलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम कल की वोकैबलरी का हमेशा की तरह एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं। हमें दिया हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फॉरेस्ट डवेलर्स होता है में रहने वाले। तो कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फॉरेस्ट से इविक्शन कर रहे हैं। इविक्शन का मतलब मैंने आपको कल बताया था, बेदखल कर रहे हैं या इविक्शन कर देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए या निकाल देना चाहिए। इस निर्णय के बाद लोग डैम्पनर हुए हैं डैम्पनर मैंने आपको कल बताया था हतोत्साहित होना या अनहैप्पी होना। और सुप्रीम कोर्ट की बहुत कंडेम कर रहे हैं। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, या हम कह सकते हैं कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना या निंदा करना। और लोगों में क्लैमर भी बहुत है। क्लैमर का मतलब होता है कोलाहल या कह सकते हैं उथल पुथल भी बहुत है। सुप्रीम कोर्ट का अपना यह निर्णय रीवोक कर लेना चाहिए। रीवोक का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट को अपना यह निर्णय वापस ले लेना चाहिए। तो दोस्तों कल की वोकैबलरी होगी, तो चलिए फटाफट आज की वोकैबलरी पर मूव करते हैं। आज 25 फरवरी 2019 की वोकैबलरी हमारे सामने है। फर्स्ट वर्ड हमें दिया हुआ डीफंक्शनल। डीफंक्शनल का मतलब होता है बेकार, या हम कह सकते हैं कोई चीज़ काम करते करते बंद कर जाती है तो उसको हमें कहते हैं डीफंक्शनल, मतलब ये चीज़ अब बेकार होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेवर। सेवर का मतलब होता है नाली, SEWER, सेवर का मतलब होता है नाली। और जो आपने सीवरेज सुना होगा वो इसी वर्ड से बना है, सीवरेज सेवर। नेक्स्ट वर्ड इज झील। झील का मतलब होता है उत्साह। झील का एक मतलब और होता है, मैं आपको बता दूं, जोश। झील को उत्साह भी कहते हैं, जोश भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसकी वन नेक्स्ट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब होता है डूबता हुआ। दोस्तों दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है ड्रोन मतलब डूबा, और एक होता है सैंक, इसका मतलब ये होता है डूबना। सिंक सैंक थर्ड फॉर्म है, ड्रोन भी थर्ड फॉर्म है, वैसे वर्ड सिंक होता है। ड्रोन का मतलब भी होता है डूबना, सैंक का मतलब भी होता है डूबना। जो सैंक वर्ड होता है वो हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, लाइक कोई बड़े बड़े शिप डूबते हैं उसके लिए सिंक सैंक यूज़ होता है, और ड्रोन यूज़ होता है कोई लिविंग थिंग जब डूबती है या कोई पर्सन डूबता है तो उसके लिए ड्रोन यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इसकी वन कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित। कंटेमिनेट मतलब दूषित। दोस्तों मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था जो था CONDEMNATIUM, मतलब कंडेमिनेशन। कंडेमिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया था निंदा करना या क्रिटिसाइज करना, और कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित। तो ये दोनों लगभग एक जैसे है बोलने में, तो आप इनमें कंफ्यूज मत करना। कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित, और कंडेमिनेशन का मतलब होता है निंदा करना या क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का मतलब होता है वास्तविक, या हम कह सकते हैं रियल। एनेक्डोटल। नेक्स्ट वर्ड इज डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब होता है शोच। आपने कई वर्ड वर्ड देखे होंगे, ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शोच करने वाले फ्री हो गए, डैट इज डेफिकेशन मीन शोच। डेफिकेशन नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फैकल। फैकल का मतलब होता है मल। एंड जो लास्ट वर्ड है हमारे पास डंप। डंप का मतलब होता है फेंक दिया, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, डंप मतलब फेंक दिया। तो चलिए इसकी ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ट्रिक की तरफ मूव करने से पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे वोकैबलरी पर द हिंदू एडिटोरियल की। ट्रिक हमें दी हुई है, भारत देश के शहर गंदगी में ड्रोनिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्रोनिंग मतलब डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में 50% से भी ज़्यादा बीमारियाँ कंटेमिनेट पानी से होती है। कंटेमिनेट पानी मतलब दूषित पानी से होती है। स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार एनेक्डोटल प्रमाण मिले हैं। एनेक्डोटल का मतलब मैंने आपको बताया वास्तविक प्रमाण मिले हैं, जिससे डेफिकेशन खुले में होना बंद हुआ है, मतलब शौच खुले में होना बंद हुआ है। भारत में अभी भी कुछ ऐसे टॉयलेट है जिनका फैकल मतलब मल, स्वीर में ना जाकर, स्वेर का मतलब होता है नाली में ना जाकर खुले में पड़ा रहता है, और बाद में इसे उठाकर किसी खुले प्लाट या ज़मीन पर डंप किया जाता है। डंप किया जाता है मतलब फेंक दिया जाता है। दोस्तों ये थी ट्रिक, आई होप आपको समझ आएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।